जिन भाइयों को नहीं पता मैं उनको बताता चलूं कि ये उन एग्स में से ये दो बच्चे निकले थे। अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप? अच्छा, आपको याद है थाई बच्चे हमने निकलवाए थे, फिर वो थोड़े बड़े हुए आपने देखे। अब बहुत सारे भाई मुझे मैसेजेस में भी कह रहे थे और फेसबुक पे भी कह रहे थे और चैनल के नीचे कमेंट करके भी कह रहे थे कि हमें थाई बच्चे दिखाएं, अब तो बड़े हो गए होंगे। तो माशाल्लाह आप वाकई काफ़ी बड़े हो गए हैं, तकरीबन 10-11 मंथ के हो गए हैं। आज आपको दिखाता हूँ, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। आपका वक्त ज़ाया नहीं करते, चलिए आपको दिखा। अब माशाल्लाह आलमोस्ट 10-11 मंथ का हो चुका है, आप इसको देख सकते हैं। जो मादी है ये मकोई आँख में है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको पता है मकोई आँख नायाब होती है आजकल, खास तौर पे थाइयों में भी। तो इस मादी के जो आईज हैं वो मकोई हैं और ये बच्चे यानी बड़े फास्ट हैं, गर्म ब्लड के हैं और ये हाथ नहीं आते, इसलिए हम इनको ज़्यादातर हाथ में पकड़ते भी नहीं। तो माशाल्लाह इनकी क्वालिटीज़ देखिए, क्वालिटी में पूरे हैं। थाइयों में जितनी आप पॉइंट्स देखते हैं ना थाई के, इन बच्चों के अंदर वो सारे के सारे मौजूद हैं। तो इनके ज़्यादा मैं करीब कैमरा नहीं लेके जा सकता, आपको दूर से जूम में दिखा दूंगा मैं इनकी आँख वगैरह, अगर ये कैप्चर सही तरह से होती है तो, क्योंकि इनके पास लेके जाना कैमरा कैमरे के साथ भी ज़्यादती होगी, क्योंकि ये समझ लें कि बहुत ही फास्ट है। ये जो थाई होते हैं ना, इनके ब्लड वैसे ही गर्म होते हैं काफ़ी, इनको ट्रेनिंग दी जाती है। इनको जिस तरीके से पाला जाता है ना थाईलैंड में, मैंने काफ़ी कोशिश करके उस तरीके से इनको पालने की कोशिश की है। इनको हमने मिट्टी पे नहीं रखा हुआ था, अब ये थोड़े बड़े हो गए ना तो अब इनको मिट्टी पर रखा है। जब ये ग्रोइंग एज में थे तो हमने इनको लकड़ी के केज में रखा हुआ था। जो थाईलैंड में भी अच्छे फार्म्स और अच्छे शौकीन है ना, वो भी जो जब ग्रोइंग एज में होते हैं ना बच्चे उनके, तो वो लकड़ी के केज में रखते हैं, ना कि उनको मिट्टी में रखते हैं। क्योंकि ये मिट्टी में हमारे सील जानवर तो बहुत अच्छे पलते हैं, लेकिन ये जो थाई बर्ड होते हैं ना ये ख़राब हो जाते हैं फिर। तो जब ये अंडों से निकले थे तब भी आपको वीडियो दिखाई थी, जब ये 2 माह के हुए थे तब भी दिखाई थी, जब ये 4-6 माह के थे तब भी आपको वीडियो दिखाई थी। और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये 10-11 मंथ के है, अब भी दिखा रहा हूँ आपको वीडियो। और माशाल्लाह का कमेंट भी कीजिएगा। तो वैसे तो मुझे पाकिस्तानी ब्रीड्स का शौक़ है, लेकिन ये हमारे बहुत अच्छे भाई हैं, नासिर भाई हैं, उन्होंने मुझे एग्स दिए थे गिफ्ट। जिन भाइयों को नहीं पता मैं उनको बताता चलूँ कि ये उन एग्स में से ये दो बच्चे निकले थे। तो फिर हमने बड़े प्यार से इनको पाला, जिस तरह हम अपने घर के बच्चों को पालते हैं मुर्गियों के, इसी तरह फिर हमने पाला, क्योंकि ये हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हमें गिफ्ट किए थे एग्स इनके। तो ये उन एग्स में से निकले थे और ये मादी की क्वालिटी ये है। इसकी जो मदर थी वो सारी काली थी, मकोई आँख में थी, और बहुत सारे जो बच्चे हैं वो ब्लैक गोश्त में भी निकालती थी। तो इस मादी में भी मुझे वैसी क्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं। तो अगर नासिर भाई ये वीडियो देख रहे हैं तो वो देख के बताइएगा कि कैसे लगे आपको भी ये बच्चे। लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छे बर्ड्स हैं, तो टेस्टिंग शुदा बर्ड है, ठीक है। तो ये मैंने देखे इनको रखा हुआ है, काफ़ी प्यार से रखा हुआ है, और ये मुर्गे के फेस की क्वालिटी, इनकी नलियाँ, ये सारा कुछ इनका अहवाल बताती हैं। जो समझदार शौकीन होते हैं ना, जो खास तौर पे इंग्लिश बर्ड को समझते हैं,
तो उनको भी समझ आ जाती है कि ये किस तरह के बर्ड हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जो इंग्लिश बर्ड्स के शौकीन है ना ज्यादातर, जो फायर के परिंदे पसंद करते हैं, वो भी भाई मुझे जरूर बताइएगा कि ये जोड़ा आपको कैसा लगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको ये जो परिंदे हैं मैंने दिखाए हैं अपने घर के, आपको पसंद आए होंगे। बेसिक तो मेरे घर के नहीं है, लेकिन मेरे घर में ही निकले तो मेरे घर के ही हुए। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।